सत्य खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अरे चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और यह घंटी भी बजा दियो। अम्बाला में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते अम्बाला में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में ही अम्बाला में कोरोना एक्टिव पेशेंट का आंकड़ा 100 पर पहुंच गया है। आज अम्बाला में 16 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर हड़कंप हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि अम्बाला में अब तक 8 सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर मामले ट्रैवल हिस्ट्री के चलते पॉजिटिव आ रहे हैं या कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने के चलते पॉजिटिव पाए गए हैं। अम्बाला में आज तक टोटल 168 मामले हो चुके हैं। 168 मामले में से आज जो 16 केस पॉजिटिव आए हैं, उनमें से एक केस यमुनानगर का सडौरा के इलाके का पॉजिटिव है, एक दिल्ली के इलाके का पॉजिटिव है, और जो अम्बाला में जो एक्टिव केस हैं वो 100 हो चुके हैं। इनमें से 97 अम्बाला के हैं और 3 अलग अलग, चाहे यमुनानगर का हो और चाहे दिल्ली का हो, पानीपत का हो, 3 ही अलग अलग इलाकों के जो एक्टिव केस 100 हैं, उनमें से जो 97 मामले हैं उसमें हमने आज जो हमारा मिशन अस्पताल है वहाँ पर भी जो पॉजिटिव पेशेंट है उनको रखना स्टार्ट कर दिया है। अब BSNL का कर्मचारी पॉजिटिव है, वो सैंपल दे के अपनी फैमिली के साथ दिल्ली मूव कर चुका था। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को हमने सूचना दे दी है और उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि किस किस के वो संपर्क में आया था, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर उनके नमूने लिए जाएंगे। पिछले लगभग 4 दिन से हम 350 से 400 सैंपल, कल 400 से ऊपर सैंपल हुए थे, 350 से 400 सैंपल हम ले रहे हैं, और आज शाम तक हमारे को उम्मीद है कि लगभग 10,000 के आसपास हम सैंपल टच कर जाएंगे पूरे अम्बाला में। सत्य खबर के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।